एक और जो मैं आपको ऑप्शन बताना चाहती हूँ वो है, जैसे कि टर्मिनल वन के ऊपर क्या था कि आप लोगों को मतलब बहुत कम ऑप्शन थे, सिक्योरिटी में बहुत टाइम लगता था, सिक्योरिटी भी मुझे इतना सही नहीं लगा था, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत जल्दी हो गया, सब कुछ बहुत पास पास में है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेयर द फन नेवर एंड्स। न्यू व्लॉग्स, न्यू लाफ एंड न्यू मेमोरीज टू मेक। कीप इन टच एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड एंजॉय एवरी मोमेंट विद मी। तो आज का ब्लॉग है, बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल टू की साइड जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने कैब ली है, लेकिन आप बस, कैब और मेट्रो से जा सकते हैं। तो ये है एंट्री एरिया हमारे एयरपोर्ट टर्मिनल टू का। यहाँ तो स्टार्टिंग में ही वो मुझे बोल रहे हैं स्टॉप, बट हाँ मेरे साथ कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगी। मैं थोड़ा अपना चेक इन वगैरह कर लूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ मुझे क्या करना है। तो एक बार जगह बैठ के मैं आपको सब कुछ बताने वाली। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे डिजिटल यात्रा के थ्रू, मैं जा रही हूँ अंदर की साइड पर। That's it. Done? Proceed to the. Okay, second. Thank you. So finally, मैंने अपना बैग ड्रॉप कर दिया है और इसके बाद मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी चेक की साइड पे। ये है हमारा टर्मिनल टू का बैंगलोर एयरपोर्ट। आई थिंक दिस इज अ सिक्योरिटी चेक, लेट मी चेक। ओके, मैडम यू हैव टू कलेक्ट द बोर्डिंग पास फ्रॉम एयर इंडिया एक्सप्रेस। वेयर इज इट? इन द फोन इज देयर एनी बोर्डिंग? या इट इज देयर। ये रास्ता जा रहा है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। उस साइड है हमारा सिक्योरिटी चेक। आफ्टर सिक्योरिटी चेक मैं आपको पूरा एयरपोर्ट दिखाने वाली हूँ, जितना मैं कवर कर सकती हूँ, जितना मेरे पास टाइम है उस हिसाब से। दिस साइड? एनी साइड। ओके, सामान मेरा आ चुका है, कुछ ना कुछ पता है, वो जाके देख। मेरा प्रॉब्लम आया था सिक्योरिटी में, जिसमें एक पानी की बोतल थी और थोड़ा सा पानी था, उनको लगा पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं। और दूसरा, मेरे बैग के अंदर माउस था, तो उसके लिए भी चेकिंग, उसके लिए दोबारा से उन्होंने बैग ओपन कराया। तो टर्मिनल टू पे हमारा जो है, जो मुझे अभी तक स्ट्रक्चर दिखा है, वो बहुत ही मॉडर्न और स्पेशियस इंटीरियर लगा है यहाँ का, जिसमें कि मेरे को देखने को मिली है नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन, मतलब सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे वहाँ का। अभी जो मैंने यहाँ पे चेक इन कराया है, चेक इन कराने के बाद मैंने वहाँ पे पूछा था कि अभी कितने काउंटर्स हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने मुझे बताया 120 चेक इन काउंटर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इन लोगों ने ना एक्सपैंड भी कर दिया है, बैगेज हैंडलिंग की कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर दी है। और यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि बहुत सारे फूड ऑप्शंस हो गए हैं, 40 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं। और उन्होंने बहुत सारे अपने जो शॉपिंग रिटेल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो एक और जो मैं आपको ऑप्शन बताना चाहती हूँ वो है, जैसे कि टर्मिनल वन के ऊपर क्या था कि आप लोगों को मतलब बहुत कम ऑप्शन थे, सिक्योरिटी में बहुत टाइम लगता था, सिक्योरिटी भी मुझे इतना सही नहीं लगा था, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत जल्दी हो गया, सब कुछ बहुत पास पास में है। और मतलब अभी तक तो मुझे सब कुछ काफ़ी अच्छा लगा। और जो इन्होंने एक चीज़ सबसे बेस्ट क्या लगी थी मेरे को,
जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लाइक ऑटोमेटिकली हम चेक इन कर सकते हैं एंड बैग ड्रॉप कर सकते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और एक चीज़ और कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा डिजी यात्रा से मैं अंदर आई, डिजी यात्रा से मैंने चेक इन किया था, तो एक ये एडवांस सिक्योरिटी स्क्रीन टेक्नोलॉजी है जो इस टर्मिनल पे यूज़ हुई है। रियल टाइम फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले हो रही है, वाईफाई भी लगा हुआ है, और सिटिंग अरेंजमेंट की साइड पे पावर बैंक्स भी हैं। तो जैसे पहले पुराने वाले जो टर्मिनल T1 है वहाँ पे क्या है कि आपको एक टेबल के ऊपर प्लग पॉइंट्स दे देते हैं, यहाँ पर चेयर के साथ है, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी मुझे लगी, अच्छा लगा, मतलब काफ़ी एनहांस किया हुआ है इन्होंने चीज़ों को।
यहाँ जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम है कि लाइक पूरा पूरा ग्रीन है मतलब। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे सोलर पावर को यूज़ किया हुआ है जगह जगह। सो D9 फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। टाइम है हमारे पास, अभी थोड़ा और निकल के बाहर एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है। उस साइड हमारा है D7। ओके लेट्स सी व्हाट इज दिस। चलो चलते हैं, पीसी से गप्पे मारते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किसी शॉप में, जिस शॉप में जाके देखती हूँ कौन सी शॉप में जाके मैं चीज़ें देख सकती हूँ और पूछ सकती हूँ उन चीज़ों के बारे में या खरीद सकती हूँ सब चीज़ें। जल्दी आने का यही फायदा है, आप किसी नई चीज़ को देखना चाहते हैं ना, कुछ नया एडवेंचर करना चाहते हो, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकालो, हर चीज़ पॉसिबल है। तो जो मैंने किया, मैं यहाँ सेकेंड टाइम आ रही हूँ और ये सेकेंड टाइम में जो फर्स्ट था मेरा, वो मेरा नाइट वाला था, तब लाइट्स थोड़ी डिफरेंट थी। इस टाइम लाइट्स थोड़ा लाइट लग रहा है, बट रात वाले में बहुत बहुत ही मज़ेदार लगता है। आई थिंक ये कोई थीम है, बट जो भी लग रहा है बट अच्छा है। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, मतलब इतना मुझे कुछ नहीं दिखा कि जहाँ पे मैं पढ़ के इसके बारे में बता सकती। तो जस्ट फोटो से ही आप लोग भी समझ जाओ जो भी है, या किसी को पता लगता है क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं भी थोड़ा देख लूँगी क्या है क्या नहीं है। तो इसके बाद मैं आगे जा रही हूँ और आगे जाने तक आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। थोड़ा घूमने के साथ साथ कुछ कुछ शॉपिंग भी हो जाए, तो मुझे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, पसंद आती है तो मैं लेती हूँ यहाँ से। काफ़ी एथनिक, काफ़ी यूनिक सी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे। Different shades also cover. Different shades also cover. Like this one is made for Agra. Yeah.
This is for food now, that water I already have. तो अब मैं हूँ फ्री। तो मैं फ्री होने के बाद सोचा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था जैसे मैंने फ्लाइट लेने से पहले। तो जैसे मैं घर से निकली, घर से निकलने के बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने कैब बुक किया था, लेकिन जो मॉर्निंग में मैंने कैब बुक किया था उसके साथ क्या था कि मुझे नहीं पता था कि ड्राइवर मैंने बुक कर दिया है कैब की बजाय। तो मैंने जैसे कॉल किया और वो ड्राइवर आ गया था और मैं वेट कर रही थी कैब का। मैं फनी उससे पूछती हूँ कि भैया गाड़ी कहाँ पे है, तो भैया बोलते हैं मैडम आपने तो ड्राइवर ऑर्डर किया था, गाड़ी नहीं किया था। देन आई सेड इट्स ऑलमोस्ट 2 o'clock, व्हाट आई डू। देन ही अरेंज एवरीथिंग, देन सडनली वन पर्सन केम एंड देन वी स्टार्टेड। सो जैसे मेरा स्टार्टिंग ऐसे हुआ, ड्राइवर कैब। जैसे मैं पहुंची यहाँ पर, यहाँ पे पहुंचते ही डिजी यात्रा मेरा बंद हो गया। जैसे बंद हुआ ओटीपी मेरा आना बंद हुआ, ओटीपी मेरा आ ही नहीं रहा था। मैंने फुल ट्राई किया ओटीपी आ जाए ओटीपी आ जाए, ओटीपी नहीं आया। तो मैंने काफ़ी देर तक बाहर वेट किया, जिसमें कि मुझे यहाँ पर पहुँचते 4 बज गए थे क्योंकि रास्ते में मुझे ट्रैफिक भी मिला। तो जैसे मैं यहाँ पहुँची, पहुँचने के बाद मुझे लगा कि डिजी यात्रा नहीं चली, तो मैं डायरेक्टली चली जाती हूँ अंदर। तो लकीली मेरा डिजी यात्रा आफ्टर 15-20 मिनट्स स्टार्ट चल गया। तो जैसे चला उसके बाद मैंने अंदर एंट्री ली। डिजी यात्रा का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आपको इतना ज़्यादा टाइम वेट करना नहीं पड़ता है। यदि आपका आपने सेल्फ चेक इन किया हुआ है, उसके बाद यदि आप अपना बैगेज ड्रॉप करने के लिए वहाँ से मशीन से वेंडिंग मशीन से अपना कार्ड ले लेते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो सेल्फ आप अपना बैगेज ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैंने किया। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ क्या किया, बोला कि आप लोग आपको ए सेक्शन में अपना बैग ड्रॉप करना है। मैं ए सेक्शन चले गई, वहाँ जाके बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा आपका, एफ में होगा। मैं पूरा चल के गई। ऑलरेडी मेरा स्टार्टिंग से ऐसा हुआ था, पहले मेरा कैब वाला इशू, देन डिजी यात्रा वाला इशू, उसके बाद ट्रैफिक में फंस गई। ट्रैफिक में फंसने के बाद जैसे यहाँ पहुँची तो उन्होंने बोला यहाँ पे सबमिट नहीं होगा, वहाँ सबमिट होगा। तो मैं वो सबमिट करने चली गई। करने के बाद जैसे मैं आई, उसके बाद मेरा चेक इन इजी स्मूथली हो गया। चेक इन करने के बाद मैंने, अब थोड़ा मुझे टाइम मिला था कि मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, वो भी स्पेशली फॉर एयरपोर्ट में, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। जैसे मैंने दिल्ली वाले टाइम पे क्या हुआ था, जब मैंने फ़्लाइट लिया था तो मेरा सेल्फ चेक इन ही नहीं हुआ था। मुझे लगा मैंने चेक इन कर दिया और बोर्डिंग पास आ गया है, लेकिन मेरा चेक इन ही नहीं हुआ था और मैं बोर्डिंग भी क्लोज़ हो गई थी। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, जब बोर्डिंग क्लोज़ हो जाती है आप लोगों को काउंटर पे जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। देन उसके बाद यदि बहुत लंबी लाइन है तो ऑब्वियसली कोई ऐसे अलाउ नहीं करेगा, बट मुझे अलाउ कर दिया था बिकॉज मेरी फ़्लाइट का टाइम भी हो रहा था। तो उसके बाद उन्होंने खुद कर दिया और उसके बाद मुझे मेरा बैगेज और उसका बोर्डिंग पास मिल गया था। तो ये मेरा दिल्ली वाला केस हुआ था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। लाइक मैं डोमेस्टिक को इंटरनेशनल टाइप बना देती हूँ कि मुझे इतना वेट करना पड़ता है, और वो भी सारी गलतियाँ मेरी होती है। तो अभी मेरे ने ये सोच लिया है कि हमेशा फ़्लाइट के लिए मैं पहले ही निकलूँ, कभी भी डिले ना करूँ। मैं 2 घंटे की बजाय 3 घंटे पहले निकल रही हूँ, जिससे कि मुझे किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम ना आए। और अभी तक तो मैं आपको घुमा चुकी हूँ यहाँ पर पूरा, और देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं।
उसके बाद मैं देखो यहाँ एक आपको चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पर ना। हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गई कि मुझे एयरपोर्ट इतना अच्छा लग क्यों रहा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है टर्मिनल टू में क्या है कि आप मैंने बहुत सारे पैसेंजर्स देखे हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे फूड कोर्ट्स भी देख लिए हैं, आपको खाने के लिए भी ऐसे कुछ नहीं लगेगा कि आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और मुझे एक चीज़ और लगी यहाँ वहाँ पे ना टर्मिनल वन पे क्या इशू था, पैसेंजर्स बहुत कम थे और सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, यहाँ पे सिक्योरिटी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा और पैसेंजर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। शायद वहाँ पर ऐसा होगा कि वहाँ लिमिटेड पैसेंजर्स काउंट होगा। और यहाँ का जो मैंने देखा है यहाँ का जो आर्किटेक्चर है और डिज़ाइन है बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, जैसे मेरी बैक साइड पर मैं आपको दिखाती हूँ एक डिज़ाइन है, लेकिन उन्होंने पूरा ये चीज़ देखिए पूरा अच्छे से वॉल डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत सारी ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़, बहुत सारी वॉल प्रिंटिंग, पेंटिंग, सब कुछ है कि अच्छा लगेगा आपको। ये सिर्फ यही फ्लोर है ना, सिर्फ यही फ्लोर, दिस इज ओनली वन फ्लोर, दिस यस मैम, दिस वन मोर साइड, दैट साइड द D9 D7 समथिंग, दिस इज ओके ओके थैंक यू। So can you please tell me about this this brand? For this brand? This is Satyapal. It's an Indian designer. Okay. Yeah. So we want for our gold prints. Our USP is our prints. Okay. We don't make any solid colors. In everything you will get the prints. Like 4,000 for bags. Yeah. Okay. Nice. Other branches also there? Branches in Bangalore? Yeah, in Bangalore. You can get one branch in Mall of Asia. Mall of Asia. Yeah, we have recently opened. Okay. So it's a mainline store, it's not an accessory store. It's only an accessory store. So mainly we sell sarees. Oh, okay. That's why I was thinking I saw all first the time. The prints you are seeing on back, we all have, we all, like same prints we have in sarees also. Nice. But you didn't have any option for sarees, right? No, I don't have time to buy sarees. Yeah, exactly. Nice, dear. Thank you. वैसे वो भी अपनी जगह सही थी, इस टाइम तो क्या एयरपोर्ट में आके कौन साड़ी खरीदेगा, इसलिए उन लोगों ने बैग्स का रखा हुआ था। अब मैं जा रही हूँ कुछ अलग सेक्शन के साइड जहाँ पे मैं देखती हूँ और क्या है। वैसे बोर्डिंग टाइम हो चुका है, तो ये है बोर्डिंग लाइन की लेन। Thank you.
आज का ब्लॉग यही एंड होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो।